क्या आपका ई रिक्शा से ज़्यादा साउंड आते हैं? तो ये वीडियो आप बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आज की इस वीडियो पे मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ ई रिक्शा गियरबॉक्स के अंदर में जो बड़ा वाला पिनियम रहता है, और ये पिनियम के दोनों साइड से हमारा रियर एक्सल अंदर घुसता है। इसमें अगर कोई फॉल्ट हो जाते हैं तो आप लोग किस तरीके से ये रिपेयरिंग कर सकते हैं, मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये सिर्फ पिनियम के नाम से ही नहीं जाना जाता है, क्योंकि इसे बहुत सारा जगह पे गुच्छा भी बोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गोपाल। आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आप सभी को एक ही बात बोलेंगे कि आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट करना ना भूले, क्योंकि इससे भी अच्छा अच्छा वीडियो हम आगे भी लाते रहेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो आप देख सकते हैं ये हमारा पिनियम है, और इसे आप गुच्छा भी बोल सकते हैं। इसे ओपन करने के लिए हमें एल की का ज़रूरत है, तो ये हमारा 4 नंबर एल एन की है, और ये एल एन की के मदद से हम ये पिनियम या फिर गुच्छा जो भी कहे आप इसे ओपन करने वाला हूँ। और इसे ओपन करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि इसके अंदर में क्या क्या रहता है और इसे किस तरीके से आप रिपेयरिंग कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट इसे ओपन कर लेते हैं। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे जितना एल एन की नट था वो सब ओपन कर दिया हूँ। अभी आप इस तरीके से जैसे ही करेंगे तो ये ओपन हो जाता है। तो आप लोगों ने देखा ये जो हमारा पिनियम है ये ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं ये हमारा स्टार पिनियम है, ये हमारे बीज में रहता है, तो इसको हम साइड में रखेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा ग्रीजिंग क्या हुआ रहता है। आप जब भी इसे ओपन करेंगे या फिर जब भी आप नया डालेंगे तो कोशिश कीजिएगा कि साइड से यानी इस साइड से थोड़ा ग्रीजिंग करने के लिए। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब भी आपके गुच्छा से साउंड आने लगता है तो आपको गुच्छा चेंज करने का ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये जो स्टार पिनियम होता है इसे चेंज करने से ही हो जाता है। स्टार पिनियम के अंदर में जो दाता है यानी इसके अंदर में हमारा एक्सेल घुस जाते हैं, तो जब ये रनिंग कंडीशन में होता है तो ज़्यादा दिन चलने से धीरे धीरे ये जो दाता है ये ख़राब होने लगता है। तो उस टाइम ज़्यादातर लोग ये जो पिनियम है या फिर गुच्छा है इसे तुरंत चेंज कर देते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये चेंज करने का आपको ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ये चेंज कर दीजिए। ये हमारा स्टार पिनियम बोलते हैं, ये पिनियम आसानी से मिल जाता है ई रिक्शा के शोरूम पे। तो ज़रूरी नहीं है कि गुच्छा को ही हम चेंज कर दे, इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप जब भी ऐसा प्रॉब्लम आपका ई रिक्शा में आता है तो आप स्टार पिनियम को चेंज कर दीजिए। इस तरीके का स्टार पिनियम दोनों साइड में दो रहता है। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये स्टार पिनियम के बगल में रहता है एक बड़ा वाला वॉशर, ये वॉशर अगर ख़राब हो जाता है तो भी क्राउंड के अंदर से ज़्यादा साउंड आने लगता है, इसीलिए जब भी आप इसे ओपन करते हैं तो ये वॉशर को ज़रूर चेक कीजिए। ये जो वॉशर आप देख सकते हैं ये लोहे का बना हुआ रहता है, ये वॉशर के बगैर अगर आपने फिटिंग कर देते हैं तो ये घिसने का चांस रहता है, अगर ये घिसता रहता है तो इसमें से ज़्यादा साउंड आने लगता है। मैं आप लोगों को दिखा दूं कि ये साइड में भी आपको एक बड़ा वाला वॉशर देखने को मिलेगा। अभी मैं आपको बता दूं इसके बारे में, इसे भी आप स्टार पिनियम ही बोल सकते हैं। इसको जैसे ही मैं ओपन किया हूं तो इसके साइड से एक वॉशर निकल के आया है, ये वॉशर ख़राब होने के वजह से भी ज़्यादा साउंड आने लगता है। तो ये जो वॉशर आप देख सकते हैं ये काफ़ी अलग है। तो ये जो स्टार पिनियम है इसका दाता भी ख़राब होता है, इसका दाता ख़राब होने से भी ज़्यादा साउंड आने लगता है। सबसे बड़ा बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ये गुच्छा को ओपन करने से पहले आप ये जो दाता होता है इसे चेक कर लीजिए बाहर से ही, क्योंकि ये दाता की वजह से भी आपका गियरबॉक्स से ज़्यादा साउंड आने लगता है। जब ई रिक्शा पुराना हो जाता है
तो ये जो दाता होता है ये धीरे धीरे खराब होने लगता है, यानी चलते चलते ये जो दाता है ये प्ले हो जाते हैं, जिसके वजह से ज़्यादा साउंड आने लगता है। तो सबसे पहले आप ये जो दाता होता है इसको चेक कीजिए, और उसके बाद ओपन करके आप सिर्फ ये दोनों साइड का जो हमारा वॉशर होता है ये दोनों सबसे पहले फॉलो कीजिए। अगर ये वॉशर सही रहता है तो उसके बाद आप ये जो हमारा स्टार पिनियम होता है ये दोनों को चेक कीजिए, क्योंकि ये सब आपको बाहर में अलग अलग से मिल जाता है, इसलिए आप ये जो गुच्छा है तो इसको तुरंत चेंज मत कीजिए, क्योंकि ये सारा आइटम आप लोगों को मार्केट में मिल जाता है। तो इसीलिए आप इस तरीके से ओपन करके चेक कीजिए तो कौन सा प्रॉब्लम आपका पिनियम के अंदर है। मैं इसे यहाँ पे सही ढंग से बिठा देता हूँ, तो उसके बाद आप ये जो है इसे भी अच्छा से बिठा दीजिए। तो आप लोगों ने देखा ये जो हमारा गुच्छा है इसको हम ओपन किया था और ये सही ढंग से बैठ चुका है। लोग जरूर ये जो एलन की नट है इसको फॉलो कीजिए। आप सही ढंग से चेक करके गियरबॉक्स के अंदर में फिटिंग नहीं करेंगे तो आपको दोबारा भी इसे ओपन करना पड़ सकता है, इसीलिए आप जरूर इसका जो नट है और अंदर का जो वॉशर वगैरह है वो सब सही ढंग से चेक करने के बाद ही आप ई रिक्शा गियरबॉक्स में फिटिंग करें। तो आप लोगों ने देखा किस तरीके से ये गुच्छा या फिर पिनियम को अपने घर में बैठ के रिपेयरिंग कर सकते हैं। तो अभी आप ये जैसे ही अच्छा से कस लेंगे नट को, उसके बाद आप ये दोनों साइड से जो ग्रीस होता है वो डाल दीजिए, क्योंकि इसके अंदर में थोड़ा ग्रीसिंग कर लेना चाहिए। तो आप लोगों ने देखा पिनियम या फिर गुच्छा को किस तरीके से रिपेयरिंग करना है। मैं आप लोगों को बता दूं कि आप मुझसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज के जरिए भी जुड़ सकते हैं, और इसके अलावा मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है जिस चैनल का नाम है गोपाल बारोई ब्लॉग्स। इस चैनल पे मैं लाइफस्टाइल एंड ब्लॉग्स वीडियो शूट करता रहता हूँ। आई होप कि आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो जरूर लाइक कमेंट शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।